अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स को, प्यार बड़ा सलाम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज ईद का तीसरा दिन है। यहाँ पे हम जो है चाय बना रहे थे, तो साथ में इधर चाय बना चुके थे, यहाँ पे हम रायता बना रहे थे क्योंकि आज हम पुलाव बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने खीरे और प्याज कट किया है, साथ में हम इसमें नमक और काली मिर्च ऐड कर देंगे और फिर इसे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। तो साथ में इधर हम बना रहे थे कबाब के लिए कीमा। यहाँ पे हमने कीमा का लिया था, कीमे इसी में हमने प्याज और हरी मिर्चें डाल दी थी। अब हम सिर्फ इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, ये कुटी हुई सूखी मिर्च है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक हसब ज़रूरत, और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। साथ में हमने इसमें हल्दी शामिल की है, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। बेसन शामिल किया है हसब ज़रूरत, क्योंकि इससे टूटेंगे नहीं अगर हम इसमें थोड़ा सा बेसन शामिल कर देंगे। यहाँ पे जो मामा है वो लकड़ी वाले चूल्हे पे जो है वो बना रही थी पुलाव, क्योंकि अंदर किचन में गर्मी में खड़ा नहीं हो जा रहा था, यहाँ पे छाँव थी साथ। तो यहाँ पे बना रहे हैं हम पुलाव। यहाँ पे हमने प्याज जो है ब्राउन होने के लिए डाल दी है। ये देखें जी, हमने इसमें टमाटर हरी मिर्ची वगैरह भी ऐड कर दी हैं। ये जो है यखनी पुलाव है, हमने यहाँ पे जो है बीफ की जो है यखनी बना ली थी, यहाँ पे रख दी है। अब हमने इसमें डाल भी दी है, तो ये आपको हम शॉर्ट शॉर्ट दिखा रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी में जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये देखें जी, हमने इसमें चावल भी शामिल कर दिए हैं। और तकरीबन यहाँ पे बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है, सूरज ग़ुरूब होने वाला है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारे चावलों को उबाल आ चुका है, अब हम इसे दम देंगे। ये देखें जी, हमने यहाँ नीचे रख के इसके नीचे भी कोयले रखे हैं और ऊपर भी कोयले रखे हैं। साथ में हम इधर कबाब फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल लिया है और साथ ही हम इधर जो है वो कबाब फ्राई करने वाले थे। यहाँ पे हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल लिया था तकरीबन पहले से ही, और वो गर्म हो चुका था। अब हम यहाँ पे बनाएंगे कबाब की टिक्कियाँ और इस एक एक बना के इसमें शामिल करते जाएँगे फ्राई होने के लिए। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने एक शामिल कर दिए यहाँ पे फ्राई होने के लिए। ये देखें, लकड़ी वाला जो चूल्हा होता है इस पे फ़ौरन ही फ्राई हो जाते हैं, जैसे हम गैस पे करते हैं वहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे फ़ौरन हो जाते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने आधे यहाँ पे फ्राई कर लिए थे। तो तकरीबन इधर ज़्यादा शाम हो गई थी, मतलब अंधेरा होने वाला था, रात होने वाली थी, तो नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हमारा जो पुलाव भी रेडी हो चुका था। यहाँ पे इसकी माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, इंशाल्लाह इसकी टेस्ट भी अच्छी होगी। आपने ये जो हमारी आज का छोटा सा व्लॉग है इसे पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि हमारे आज का ये जो छोटा सा व्लॉग था आपको कैसा लगा, और साथ आपने बताना कि आपकी ईद कैसी गुजरी, इसी तरह काम में किचन में ही गुजरी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।